हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर की। और वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राउंड साइज़ क्या है, होम ग्राउंड कौन सी टीम का है, पिच कैसी है, एवरेज स्कोर क्या है और ग्राउंड सपोर्ट कौन सी साइड को करता, फर्स्ट बैट सेकेंड बैट और करता तो क्यों करता। अब जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ग्राउंड का साइज़ बड़ा है, T20 के लिहाज से ग्राउंड का साइज़ बड़ा है। और अब बात करते हैं होम ग्राउंड कौन सी टीम का, लंका शहर का होम ग्राउंड है। अब बात करते हैं पिच कैसी। देखिए यहाँ की पिच फ्लैट है, जैसा कि T20 ब्लास्ट में सारे के सारे ग्राउंड्स की पिचे फ्लैट है, पर कुछ ग्राउंड की पिचेस ऐसी है जहाँ फ्लैट पिच के साथ आपको घास देखने मिल सकती है, ग्रीन ग्रास या ब्राउन। और जब जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी पिच के ऊपर अगर घास है तो वो पिच दो धारी तलवार बन जाती है। किसी के पास बॉलर अच्छे तो उनको सपोर्ट करती है, किसी के पास बैटर अच्छे तो उनको सपोर्ट करती है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का 160-165 ही रहता है, क्योंकि एक तो ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा पिच ऐसी है, पिच के साथ घास है। तो जिनके पास बॉलर अच्छे है, एक बॉलर 3 से 4 विकेट ले जाए कोई बड़ी बात नहीं, जिनके पास बैटर अच्छे है अगर वो अच्छा खेल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस ग्राउंड में जब भी मैचेस हो तो सेकंड इनिंग का वेट करके ही काम करना, जो भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो सेकंड इनिंग का वेट करके ही कीजिएगा। अब बात करते हैं ग्राउंड कौन से साइड सपोर्ट करता है। ग्राउंड सेकंड बैट को फेवर करता है, क्यों करता है, क्योंकि मैनचेस्टर में मैच है, मैनचेस्टर का ग्राउंड है, ठीक है। तो अब होता ये है कि यहाँ पे रात के वक्त में ड्यू आती है, ठीक है। और जिस ग्राउंड में ड्यू आती है, भले कहीं का भी ग्राउंड हो, वहाँ पे ज़्यादातर कंडीशन ये बनती है कि बैटिंग ईजी हो जाती है और बॉलर्स के लिए काफ़ी चीज़ें उनके फेवर में नहीं आती, क्योंकि बॉलर बॉल को ठीक से ग्रिप कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राउंड का साइज थोड़ा सा बड़ा, होम ग्राउंड लंका शहर का है, पिच टाइप फ्लैट है, घास के साथ ग्रीन ग्रास में देखने मिल सकती है, ब्राउन ग्रास देखने मिल सकती है आपको। एवरेज स्कोर 160-165 के आसपास ही देखने मिल, जैसे कि एवरेज स्कोर के बारे में बताता रहता हूँ कि ये ओन डाटा बेस रहता है, आपको करंट टाइम में देख के ही अपनी प्रेडिक्शन करनी है। और ग्राउंड सेकंड बैट को फेवर करता है, क्योंकि नाइट में मैचेस जो भी होंगे उनमें ड्यू फैक्टर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।